अभी जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, हर कोई ना एक दूसरे को दोषी मान रहा है, जैसे कि पब्लिक नेताओं को, नेता पब्लिक को, हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को, इसी तरह। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कोरोना नेगेटिव, वेलकम फ्रंट टू माय चैनल। दोस्तों कोरोना नेगेटिव रहना ही अच्छा है, पॉजिटिव मत रहिएगा, लाइफ पॉजिटिव होना चाहिए, कोरोना हमेशा नेगेटिव ही रहिएगा। कोरोना को कोरोना हो जाता ना तब उसे पता चलता कितना मुसीबत से जूझ रहे हैं हम। दोस्तों वैक्सीन लगाने जा रहा था और फर्स्ट डोज वैक्सीन लगा लिया, और आपको भी मौका मिलता है तो माता पिता को जरूर वैक्सीन लगाइएगा, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यह अंडा, प्याज, टमाटर और ओट्स मिक्स करके आमलेट बना रहा हूँ लाइट स्टीम में, बहुत हेल्थी होता है ये पैनकेक जैसा ही। तो हेल्थी मील खाता हूँ मैं सारे के सारे, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सारे। देख सकते हैं कितना अच्छा बनाता हूँ मैं, आप भी बना के खा सकते हैं और मुझे इनवाइट कर सकते हैं। वाह, इंटरनेशनल कुक बन जाऊँगा मैं किसी दिन। ये साइकिल देख सकते हैं आप, मैंने खुद को गिफ्ट दिया, मेरा बर्थडे था रिसेंटली तो मैंने खुद के लिए गिफ्ट ख़रीदा, और बहुत खुशी की बात है। आपके लिए साइकिल होगा लेकिन मैंने खुद की कमाई से ख़रीदा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा हर दिन एक्सरसाइज से शुरू होता है। अब एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं, आपको हेल्थी रखता है, फिट रखता है और एक्टिव रखता है, और आज के दिन में ये सब बहुत ज़रूरी भी है। अपने आप को फिट, हेल्थी और एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही महामारी चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो अपने आप को हेल्थी, फिट और एक्टिव रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा है कि जिम ज्वाइन करके बॉडी बनाइए, मैं ये कह रहा हूँ अपने आप को हेल्थी, फिट और एक्टिव रखिए, क्योंकि आज के डेट में हम लोग बहुत बिजी है मोबाइल के पीछे। मोबाइल के लिए 15-20 घंटे टाइम है लेकिन खुद के लिए आधा से एक घंटा नहीं निकाल पाते। इसी वजह से कोरोना जैसी छोटी सी वायरस हम इंसानों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन गई है। मैं तो आप सबको यही सलाह दे सकता हूँ कि अपने जीवन में कोई भी ऐसा चीज़ ऐड मत करिए, जैसे कि गुटखा, बीड़ी, दारू, खैनी, कोई भी चीज़ ऐसा जिससे आपको नुकसान हो, ऐसा चीज़ चूज़ कीजिए जिससे आपको फ़ायदा मिले, जैसे कि फल फ्रूट, साग सब्जी। मैं भी बिजी हूँ, मेरे भी बहुत सारे काम हैं, फिर भी मैं टाइम निकाल के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अब मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं, फिर भी अपने आप को टाइम निकाल के हेल्थी, फिट और एक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ। शरीर को फिट, हेल्थी और एक्टिव रखने के लिए सिर्फ जिम नहीं, सही खाना भी पड़ता है। तो अपने हिसाब से सही ऑर्गेनिक फूड, सही मील को खाने भी है। ये ओट्स है और दूध, उसके साथ खजूर है, आप भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही हेल्थी मील है, परिवार में कोई भी खा सकता है। एक्सरसाइज कर लिया, हेल्थी मील खा लिया, अब शरीर ना प्रोटीन मांग रहा है, अब प्रोटीन किस में है, मैं तो उसी को लेने के लिए जा रहे हैं। हम सारे दोस्त मिलके ना एक मैं लेके आते हैं, और ये महीना भी महंगाई चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे मैं तुम्हारे साथ मैं जाऊँगा, तुम्हारे साथ मैं जाऊँगा सारे बोल रहे हैं, लेकिन सबको ले जाने के हमारे पास बजट नहीं है, एक ही उठाएंगे, इनमें से कौन सा होगा। प्राइस की बात करूँ तो 14 से 16 हज़ार तक मिल जाता है एक, उतना सस्ता भी नहीं, उतना महंगा भी नहीं, सीजन देख के होता है। अब ऐसे तो खा नहीं सकते, मर्डर करना पड़ेगा, तो सुपारी किसी और को दिए, ये देख सकते हैं इन्हीं को सुपारी दिया, काट कूट के इस तरह से उन्होंने रेडी कर रहे हैं। सच्ची बात बताऊँ, देखिए किस तरह से काट रहे हैं। मैं बचपन में ना ऐसे लकड़ी काटता था, लकड़ी, अभी तो वो मैं काट रहा है, इन्हीं को सुपारी दिया, इन्होंने ही काटा, क्योंकि मैं हत्या यानी कि पाप नहीं करता। रूम में लाने के बाद इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, अब कितने लोग मिल के ला रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर 10 लोग मिल के लेके आ रहे हैं तो 10 हिस्सा लगा लेते हैं, फिर तो क्या, 10 हिस्से के बाद अपना अपना हिस्से को, हाँ हाँ क्या बोले आपको, मतलब मज़ा ही आ जाएगा और क्या। सारे के सारे मेरे फ्रेंड है ये, आजा आजा, तू बड़ा फ्रेंड है। एनिमल खाता हूँ तो क्या हुआ, मेरे एनिमल दोस्त भी हैं, इनके लिए भी मैं थोड़ा बहुत हड्डी उड्डी मांस उस लेके आया हूँ, तो इनको भी आज पार्टी हो जाएगा। कुछ पाप किए हैं तो पुण्य भी करना पड़ेगा ना। अभी जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, हर कोई ना एक दूसरे को दोषी मान रहा है, जैसे कि पब्लिक नेताओं को, नेता पब्लिक को, हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को, इसी तरह। ये जो वक्त है एक दूसरे को दोषी ठहराने का नहीं, कोरोना से लड़ने का। अगर हम एक हो गए तो पूरे दुनिया को हरा सकते, फिर कोरोना किस खेत की मूली। कुछ लोग ऐसे भी हैं कोरोना को अभी भी नहीं मान रहे, कोरोना को हल्के में ले रहे, और कोरोना होगा तो भी हमें कुछ नहीं हुआ ऐसे मान के भी चल रहे। लेकिन वहाँ जाके देखिए जिन्होंने अपने परिवार खोए, हमारे लिए 10 लोग कोरोना से मरे, 20 लोग, 100 लाख, 2 लाख, 3 लाख होंगे, लेकिन किसी माँ ने अपनी बेटी खोई, किसी ने बेटा, किसी ने पापा, किसी ने पति। हमारे लिए तो जनसंख्या है, सरकार के लिए जनसंख्या नॉर्मल है, 10 मरे, 100 मरे, 1000 मरे, लाख मरे, करोड़ मरे, कुछ नहीं हमारे लिए तो। लेकिन जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोया है,
उनसे जाके पूछे और हालत आप सब देख सकते हैं। अगर इसी तरह हम लापरवाही करते रहे तो इसका खामियाजा हमें खुद भुगतना पड़ेगा, इसलिए लापरवाही ना करें, खुद का सुरक्षा का ध्यान खुद ही रखें, जितना हो सके बच के चलिए। और क्या कर सकते हैं, मैं ये बात किस लिए बता रहा हूँ, देखिए आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, मरने वाला कौन है? गरीब। अब गरीब का यही गलती है कि वो गरीब पैदा हो गया, और गरीब के लिए क्या है, सिर्फ प्रे, हर कोई प्रे करेंगे गरीब के लिए, बस उतना ही, बाकी कुछ नहीं। और गरीब का काम क्या है, सरकार का किस काम में आता है गरीब, सिर्फ जनसंख्या गिनती में और वोट देने में, बस। और उसके बदले में उन लोग क्या करेंगे, प्रे करेंगे। तो इसीलिए खुद का ध्यान खुद ही रखना है, ठीक है। इस तरह से फैल रहा है, जितना हो सके अपना ध्यान रखें, जाने तो जहाने, हो सकता है आपको कोरोना से कुछ ना हो, लेकिन आपके शरीर में कोरोना जाके किसी और को हो गया तो उसके लिए कोरोना मौत हो, कोरोना की वजह से वो मर सकता है, किसी और के घर के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ हमारे लिए नहीं सोचना है, और भी रहते हैं इस दुनिया में आस पड़ोस में, तो सबके लिए सोचना है, ठीक है। मैं घर में नहीं रहता हूँ, तो अभी वैक्सीन आ चुका है, तो मैं अचानक सोचा कि अरे मेरे मम्मी पापा को वैक्सीन लगा देता, तो दो सेकंड के लिए मैं भूल गया था कि मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं, तो आपके मम्मी पापा तो है इस दुनिया में, तो वैक्सीन जरूर लगाइए। अब देखिए दुनिया की बातें मत सुनिएगा, हमेशा कुछ भी सुनना है, कुछ भी जानकारी चाहिए हो, एक्सपर्ट की राय ले, एक्सपर्ट की देखे पढ़े, तो अंधाधुन किसी ने बोल दिया वैक्सीन से बच्चा नहीं होगा, वैक्सीन से ये नहीं होगा, वैक्सीन से वो नहीं होगा, ये अंधाधुन में मत चलिएगा, ठीक है। खुद ही लगा के देखिए, मैंने एक वैक्सीन लगा लिया, तो आप भी वैक्सीन लगाइए, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, खास करके माता पिता को लगाइए, क्योंकि कोरोना जिस हिसाब से फैल रहा है, कैसी लोगों की हालत है आप सब जान सकते हैं, इसलिए मेरी तरफ से अपने माता पिता को सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं। अगर आप वैक्सीन नहीं लगा रहे कोई रास्ता है, कल को कोरोना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ना अस्पताल में जगह है, ना ऑक्सीजन अवेलेबल है, ना सीट है, क्या कीजिएगा। बस दोस्तों आज के ब्लॉग में यहीं तक, अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए, पसंद नहीं आए तो शेयर कीजिए, कोई और देख लेगा। वैक्सीन।